हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मेड एनटूटी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ऑप्टिक्स का ये सेकंड क्लास है। इन फर्स्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट ऑप्टिक्स, अबाउट लाइट एंड मिरर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ टुडे वी विल स्टडी सम अदर बेसिक कॉन्सेप्ट। इन द लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट मिरर, है ना। मिरर क्या होता है? एक हाईली पॉलिश सर्फिस होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, टाइप्स ऑफ रेज। बेसिकली टाइप्स ऑफ रेज, लाइट में तीन तरह की रेज की बात की जाती है। पहला इंसिडेंट रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड थर्ड रिफ्रैक्टेड रे। हम लोग रिफ्रैक्टेड रे की स्टडी थोड़ी बाद में करेंगे, आज हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे। तो पहले समझें इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे पढ़ने से पहले के बारे में जानने से पहले हम लोग समझे कि टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इसमें हम समझे इंसिडेंट रे क्या होता है। तो कहता है कि अरे रे कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स एंड स्ट्राइकिंग सोर्स दैट स्ट्राइक अ सरफेस। इज नोन एज इंसिडेंट। इट मीन्स कोई भी रे। अब इस रे के पहले आप डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, वो छूट गया था। पहला दो तरह की बॉडी था, क्या ल्यूमिनस बॉडी, आप इसके बारे में पढ़े होंगे, ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष ज्ञान दे, ल्यूमिनस बॉडी इसके बाद समझ में आएगा। ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है? अ बॉडी दैट इमिट लाइट। जैसे इस रूम में देख रहे हैं जहां क्लास लेक्चर चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पर लाइट आ रही है। तो लाइट कहाँ से आ रही है? तो लाइट कुछ स्पेसिफिक सोर्सेस से आ रही है, जैसे ट्यूबलाइट है या CFL लगा हुआ है या LED बल्ब लगा हुआ है। तो वे सारे बॉडीज जो लाइट इमिट करता है, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। एंड अ बॉडी दैट डजंट इमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो कह रहा है क्या कि रेज हमेशा ल्यूमिनस बॉडी से आएगा। तो कहता है रे कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स, सोर्स मीन्स ल्यूमिनस बॉडी। अरे कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स दैट स्ट्राइक ए सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सरफेस रखा हुआ है, चलिए मिरर को मान लेते हैं। मान लेते हैं ये सरफेस यानी मिरर है, ये मिरर है। यहाँ पर कोई ल्यूमिनस बॉडी है, चलिए से टॉर्च है, ये ल्यूमिनस बॉडी। यहां से एक रे आ रही है, तो सोर्स से सरफेस पर जो रे आ रही है, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। अरे कमिंग आउट फ्रॉम सोर्स दैट स्ट्राइक ए सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। कहां से आ रही है? जैसे सामने बल्ब से लाइट आ रही है और इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, तो जो लाइट रे ऑफ लाइट आ रही है सामने से, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ देखिए टॉर्च है, टॉर्च से यानी ये सोर्स हो गया, यहाँ से लाइट जो आ रही है, टॉर्च से जो लाइट आ रही है कहाँ पड़ रही है? जो मिरर हुए में सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब सेकेंड टाइप ऑफ रे की बात हम करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? अब दो बातें हो सकती है कि ये जो रे इस पर पड़े,
तीन चीजें हो सकती है, सॉरी जो रे इस सरफेस पर पड़ी है तीन चीजें हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट कैसा है। आइदर दिस रे इज बाउंस ऑफ बैक और द रे इज एब्जॉर्ब और द रे चेंज दियर पाथ, इट मीन्स ये मटेरियल कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है। अगर ट्रांसपेरेंट है तो अनलिमिटेड क्रॉस कर जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट है तो डिविएट करके क्रॉस कर जाएगा, ओपेक है तो दो बातें हो सकती है, ओपेक में अगर ये ब्लैक बॉडी है तो अब्जॉर्ब कर लेगा अदरवाइज इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस बैक कर देगा। तो मैंने समझे रिफ्लेक्टेड क्या है, तो रे बाउंसिंग ऑफ बैक, बाउंसिंग ऑफ बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस, स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। वह रे जो सरफेस पर पड़ने के बाद, सरफेस पर पड़ा और पड़ने के बाद ये बाउंस ऑफ बैक हो गया, बाउंस ऑफ बैक कहां, बाउंस ऑफ बैक इन मीडियम, इन मीडियम कहां बाउंस ऑफ बैक होकर कहां जाएगा, तो मीडियम में जाएगा। तो कह रहा रे दैट बाउंस ऑफ बैक इन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। दो रे की बात हो गई, इंसिडेंट रे जो सोर्स से आ रही है एंड सेकेंड जो बाउंस ऑफ बैक हो रही है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों रे को अगर समझे तो आगे समझने के लिए क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि रे बाउंस ऑफ बैक इन मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अब थर्ड कंसेप्ट इसमें आएगा जिसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल का था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन द सरफेस इज नोन एज, नोन एज नॉर्मल। एक बार फिर समझ लीजिए कि सोर्स से जो रे आ रही है सरफेस पर पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है, दैट कॉल इज इंसिडेंट रे। सरफेस पर स्ट्राइक करने के बाद जो रे वापस मीडियम में लौट रही है रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाएगा दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन सरफेस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल तक क्लियर हो गया। अब यहां से दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट कॉन्सेप्ट इज, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, पहले एंगल समझिए। एंगल क्या है, एंगल क्या है, द कर्व बिटवीन टू लाइन, कोई भी दो लाइन है उसके बीच जो कर्व है, झुकाव है, दैट इज कॉल्ड एंगल। मान लीजिए एक लाइन ये आ गया और एक लाइन, इन दोनों लाइन के बीच जो कर्व होता है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। तो यहां अगर ध्यान से देखिए, एक इन नॉर्मल हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए, ये परपेंडिकुलर किस पर है, सरफेस पर, मिरर पर परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में है बट ये मिरर पर परपेंडिकुलर है। और ये आपको पता है कि अगर कोई भी किसी भी एंगल के बीच कोई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो क्या करता है, उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो कि 90 डिग्री का होता है, दैट व्हाई इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अब कहता है चूंकि एक एंगल देखिए यहां बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, एंड अनदर एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच है। तो अब इसीलिए सिंस ये एंगल दोनों नॉर्मल पर ही बन रहा है, तो चूंकि ये एंगल इंसिडेंट रे बना रहा है दैट्स व्हाई इंसिडेंट के कारण से करते इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन व्हाट इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज, इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आगे है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच अंतर बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब एक एंगल कहां बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, तो चूंकि ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है दैट्स व्हाई दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी क्या हो गया एंगल बिटवीन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, ये है अब क्या अभी तक हम जो कंसेप्ट समझे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे क्या होता है अरे कमिंग फ्रॉम सोर्स दैट स्ट्राइक सरफेस, एंगल इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, रे बाउंस ऑफ बैक टू द मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल परपेंडिकुलर बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां से मेन चीज आता है, एक लॉ आ जाता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ दैट हेल्प अस टू स्टडी एंड एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड लॉ रिलेटेड टू टू द फिनोमेना ऑफ, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड संबंधित जो लॉ है उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ है, इनके स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इनके दो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इनके पॉस्टुलेट्स दो पॉस्टुलेट्स हैं, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला लॉ जो हम पढ़े देख रहे हैं क्या, पहला देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पर मिलते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टेटमेंट क्या है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ द मिरर। ये जो तीनों है कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों मिरर के एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड होते हैं, ये है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल
तीनों मिरर के एक ही पॉइंट पर सिचुएटेड होते हैं, बेस्ट होते हैं। एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस लॉ एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने वाला लॉ कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। स्टेटमेंट सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड I इज इक्वल टू R। जिस एंगल पर रे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पर रे रिफ्लेक्टेड होगा। चलिए आपसे एक क्वेश्चन कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल कौन सा है? अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये एंगल कौन सा है? इन दोनों एंगल्स का नाम आपको कमेंट करना है। मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड मिरर इसको क्या कहते हैं एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर इसे क्या कहते हैं। आप जाइए मेरे 10 क्लास के वीडियो यहाँ देखिए, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है, मैंने बताया है इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं। अगर आपको पता भी है तो आप इसे कमेंट अवश्य कीजिए इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं। चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब आगे समझें, ये हम बात किए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, अभी तक हम समझे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सीधा समझते हैं रिफ्लेक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्शन के बारे में क्या समझे थे? इट इज द बाउंस ऑफ बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन होते कितने टाइप पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन सरफेस। तो इनमें दो टाइप रिफ्लेक्शन होता है, पहला जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या इसे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस रिफ्लेक्ट बैक एट सेम एंगल। इट मीन्स एक ये सरफेस हो गया। इसमें कहते हैं देयर आर मेनी रे, एक रे ये हो गया, दूसरा रे ये हो गया, तीसरा रे ये हो गया, है ना, चौथा रे ये हो गया। मान लीजिए ये है थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, है ना, ये अलग अलग एंगल पर
इंसिडेंट हो रहा है। तो कह रहा है क्या कि अगर ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, अगर ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाए तो ये हो गया रेंडम। जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाए। सेम ये 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रहा है, ये 45 डिग्री पर हो गया, ये 60 डिग्री पर हो रहा है, तो ये भी 30 डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर होगा, 60 डिग्री पर होगा, सब के सब सेम एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसे हम लोग कहते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बाय रिफ्लेक्शन जिसमें रेज ऑफ लाइट सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड रेगुलर या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, कहता है रिफ्लेक्शन इन विच ऑल द रेज ऑफ लाइट incident at same angle may not reflect at same angle. It means रेज ऑफ लाइट है, मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट ये आ रहा है ना, ये हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तब जाहिर है इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, ये थीटा है, थीटा एंगल पर ही एक और रे आ रहा है। अब देखिए चूंकि सरफेस चेंज हो गया ना, इसका ये नॉर्मल हो गया, ये थीटा, अब ये कह रहा है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए ये जो एंगल होगा यहां पर ये थीटा है, तो चेंज होने का ये एंगल चेंज हो जाएगा इसको, यानी इसकी एक ही विशेषता होती है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हो गया, अब ये देखिए एक ही हो गया, अब ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रेज है सेमी एंगल पर इंसिडेंट होने वाले रेज अगर अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वह रिफ्लेक्शन जिसमें अगर सेम एंगल पर इंसिडेंट होने वाले रेज सेम एंगल पर ही रिफ्लेक्ट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी शर्त यह है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस और ऑन रफ सरफेस होगा तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, और अगर सरफेस स्मूथ होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस। अगर सरफेस स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर सरफेस रफ है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। ये ध्यान रखने की बात है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स लाइट रे ऑफ लाइट सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, और अगर सरफेस इरेगुलर है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, मीन्स सारे के सारे रे सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे।
अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो जो इमेज इसका होगा, इमेज शाइनी होगा, इमेज शाइनी होगा, ब्राइट बनेगा, ब्राइट बनेगा। और अगर वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है तो उसका इमेज डल बनेगा, धुंधला बनेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक रे, जैसे एक रे है एक दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रे एक दो 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 या दो से अधिक जगह पर इंटरसेक्ट करता है, तो जब दो रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करेगा, एक दूसरे से टकराएगा, कोलाइड करेगा, देन इन दैट केस वो अपनी एनर्जी का पार्ट, कुछ पार्ट लॉस कर जाएगा। क्योंकि एनर्जी का पार्ट लॉस कर जाएगा, दैट्स वाई जो इमेज होगा, इमेज उतना ब्राइट नहीं बनेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मिरर, जिसमें हम लोग बेसिकली पहले प्लेन मिरर की बात करेंगे, अभी हम रिफ्लेक्शन की बात की, अब प्लेन मिरर की बात करेंगे, फिनोमेना रिलेटेड टू प्लेन मिरर, और इसमें कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ ट्रिक्स भी देंगे, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली प्रिपेयरिंग फ्रॉम